नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में दोस्तों आज मैं आपके सामने मंत्र के विषय में एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूं जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी अगर आपको मेरी दी हुई यह जानकारी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें दोस्तों मंदिर हम सबके घर में होता ही है किसी के घर में लकड़ी का तो किसी के घर में संगमरमर का अगर किसी के घर में जगह का अभाव है तो वह लोग अपने घर की किसी भी अलमारी में ही अपने भगवान को स्थापित कर लेते हैं दोस्तों मंदिर बनाते समय आप इस बात का खास ख्याल रखें कि मंदिर कभी भी जमीन पर ना बनाएं अगर आपका घर बड़ा है तो आप एक अलग कमरे में भगवान के लिए मंदिर बना सकते हैं और अगर जगह कम है तो आप घर में एक उचित स्थान और दिशा देकर अपना मंदिर बनाएं और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात कि आप भगवान को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करें कि भगवान के चरणों और हमारे हृदय दोनों का स्थान एक समान होना चाहिए जिससे कि हम पूजा करने के लिए बैठें तो हमारा ध्यान भगवान के चरणों में ही रहे कुछ लोग अपने पूजा घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखकर पूजा करते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा अशुभ माना जाता है मंदिर में हमें कभी भी अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए पूर्वजों की तस्वीर को हमेशा ही आप अपनी दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाएं। ज़्यादातर घर में मंदिर लकड़ी का बनवाना चाहिए अगर इसके अलावा आप चाहते हैं तो संगमरमर का मंदिर भी बना सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए जोड़े रहे हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से धन्यवाद